आज बिहार के नवादा में थोड़ी देर में प्रधानमंत्री करेंगे रैली। पीएम की रैली में सीएम नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, संतोष मांझी और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान मौजूद रहेंगे। बिहार रैली को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट, लिखा बिहार में एनडीए के पक्ष में लहर है, नवादा जनसभा को लेकर लोग उत्साहित हैं। पीएम मोदी के बयान पर चिराग पासवान का बयान, ये बहुत अच्छी बात, पीएम मोदी फिर बिहार आ रहे हैं, एनडीए को मिलेगा बल। बिहार के बगहा में तेजस्वी यादव की जनसभा, तेजस्वी यादव का बयान, बताएंगे कैसे विपक्ष के सभी कथित भ्रष्टाचारी नेताओं ने की मदद। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के जलपाईगुड़ी में दोपहर 2:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। बंगाल रैली को लेकर पीएम मोदी की पोस्ट, आज जलपाईगुड़ी के लोगों के बीच रहूंगा, बंगाल में बीजेपी के पक्ष में लहर है, लोग टीएमसी के भ्रष्टाचार से परेशान हैं। एमपी में आज चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, जबलपुर में 6:15 पर पीएम मोदी का रोड शो शुरू होना है। 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत और एमपी के बालाघाट में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा है। 9 अप्रैल को ही चेन्नई में पीएम मोदी एक रोड शो करेंगे। 9 अप्रैल की रात चेन्नई के राजभवन में रुकेंगे पीएम मोदी। 10 अप्रैल को वेल्लोर और पोलाथी के साथ साथ महाराष्ट्र के रामटेक में रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी पर प्रियंका गांधी का पोस्ट, एक तरफ बीजेपी का भय, लालच और झूठ का साम्राज्य और दूसरी तरफ कांग्रेस का सत्य, साहस और परिश्रम का संकल्प, बीजेपी की राजनीति सत्ता के लिए लोकतंत्र को मिटाने वाली। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज आप कार्यकर्ता करेंगे सामूहिक उपवास, दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा कार्यक्रम। शराब घोटाले पर बीजेपी का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। अगले हफ्ते जेल में केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब सीएम भगवंत मान, जेल में मुलाकात करने वालों में भगवंत मान का नाम शामिल हुआ। राजस्थान में कांग्रेस ने प्रचार कमेटी की सूची जारी की, पूर्व सीएम अशोक गहलोत प्रचार कमेटी के अध्यक्ष बने, सचिन पायलट समेत 27 लोग प्रचार कमेटी के सदस्य। आज मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलेंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बांदा जेल में हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं एनसीपी शरद गुट के नेता एकनाथ खड़से, एकनाथ की बेटी रोहिणी भी बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमले के मामले में रिपोर्ट तलब, राज्यपाल सीबी आनंद ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी, पूर्वी मिदनापुर में एनआईए की टीम पर हमला हुआ था। बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार लौकिक चैटर्जी की कार पर हमला, हुगली में चुनाव प्रचार के दौरान कार पर हमला, लौकिक चैटर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगाए। लौकिक चैटर्जी हमले के मामले पर बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, ममता सरकार में कानून व्यवस्था बेहद खराब, पश्चिम बंगाल में आज कोई भी सुरक्षित नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार 15 दिन के अंदर बरामद की गई, पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, यूपी के वाराणसी से पुलिस ने कार बरामद की। जम्मू कश्मीर में भावना बनी नौशहरा की पहली महिला जज, दर्जी की छोटी सी दुकान चलाते हैं पिता। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज भारतीय वायुसेना का दम देखेगा, सुखोई जैगुआर और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान रनवे को छूकर उड़ान भरेंगे। कोयंबटूर के वलालोर डंप यार्ड में लगी भीषण आग, करीब 2 एकड़ तक आग फैल गई, युद्ध स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। बीना रेलवे जंक्शन के पास मालगाड़ी के इंजन में लगी आग, इंजन जलकर खाक, भागकर पायलट ने जान बचाई। पटना में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी, आग ने आसपास के कई मकानों को चपेट में लिया, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।